ठीक है, बात अपनी किसकी कर रहे हैं, रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि अपने अगर किस रोड पर वाहन लेके आते हैं तो अपने को रोड पर अनेक प्रकार के जो है सिंबल मिलते हैं, और जो सिंबल की बात करें वो किस प्रकार होंगे, आपको जो है रोड के एक तरफ जो है इस प्रकार के सिंबल, अनेक प्रकार के सिंबल भी जो है आपको मिलते हैं, जो सिंबल आपको क्या देते हैं, मददगार होते हैं आपके लिए। मददगार किस प्रकार होंगे, अगर आपको किसी प्रकार का जो है रास्ता का जानना है तो सिंबल के माध्यम से जो है आपको वो रास्ते का बताता है, अगर आपको रुकना है तो सिंबल के माध्यम से आपको जो है रुकने का जो है स्टॉप करता है, अगर चलने का कहेंगे तो इस प्रकार आपको चलने का जो है सिंबल दिया हुआ है, इस प्रकार जो है प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जो है आपकी यातायात को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए जो क्या है कई प्रकार के जो है सिंबल का प्रयोग करते हैं। और इन्हीं प्रतीक चिन्हों की बात करेंगे रोड सेफ्टी से संबंधित जो है आज अपने उसके ऊपर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आज की जो अपनी रहेगी, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप बात करें प्रतीक चिन्हों की तो प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी कि रोड सेफ्टी के जो सिंबल हैं उनके ऊपर बात अपने करेंगे कि इसका जो है यातायात सुरक्षा की बात करते हैं, वो भी अपने बात करेंगे कि किस किस थ्रू अपने को जो है बात करते हैं। ठीक है, आज अपने जो अपना टॉपिक जो रहेगा, पॉइंट जो रहता है वो क्या रहेगा, वो अपना रहता है रोड सेफ्टी की बात अपने करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आज का अपना टॉपिक क्या है, रोड सेफ्टी की बात करें, उससे संबंधित जो है अपने किसकी बात करेंगे, चिन्हों की बात करते हैं, और मैंने बताया चिन्ह आपके लिए क्या होंगे, महत्वपूर्ण या मददगार होते हैं। तो पहला नाम अपने क्या आता है, अपने बात किसकी करेंगे, रोम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, रोम की बात। मैं आपको बताता हूं कि रोम ने जो है अपने साम्राज्य में, रोम ने अपने साम्राज्य में, अपने साम्राज्य में जो है सबसे पहले संकेतों के माध्यम से जो है किनका प्रयोग किया था, मील के पत्थर का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया था, मील के पत्थर का जो है प्रयोग किया, जिसे माइलस्टोन के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, माइलस्टोन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले यानी कि बात करते हैं सबसे पहले माइलस्टोन को जो अपने साम्राज्य में ले क्या आया था वो कौन था, रोम की बात अपने करेंगे, किसकी बात करेंगे, रोम की बात करते हैं साम्राज्य में दूरी दर्शाने, माइलस्टोन यानी मील के पत्थर की बात करेंगे, तो मील के पत्थर का जो आता है उसमें क्या बताया गया है, दूरी दर्शाने के लिए, क्या है, दूरी दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइलस्टोन की बात करेंगे तो मील का पत्थर। अब आप का पता है कि आपने देखा होगा कि आप सड़क पर जाते हैं तो आपको कुछ दूरी पर जो है आपको कुछ सड़क के किनारे जो है पत्थर माने होता है, पत्थर लगे होते हैं जो इस प्रकार के होंगे और उन पर जो है दूरी लिखी होती है, जैसे कि GH हो गया, गंगानगर की बात करें 101 किलोमीटर है, या इस प्रकार की बात करेंगे तो आपको मिलता है। लेकिन क्या क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं, बिल्कुल इन्हीं में से बनते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाएगा कि यानी कि कौन कौन से रंग के मील के पत्थर का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता दूं इसमें आपका जो एक रंग आता है वो तो आएगा पीला, कौन सा आता है, पीले रंग की बात करेंगे, दूसरा कौन सा आता है वो आपका आएगा हरा रंग, तीसरा कौन सा आता है वो आता है आपका नीला व काला रंग, तीसरा कौन सा आएगा नीला व काला रंग, और चौथे की बात करेंगे चौथा आपका आएगा नारंगी रंग। ठीक है, चौथा कौन सा आएगा, नारंगी रंग की बात अपने करेंगे, किसकी बात करेंगे, नारंगी रंग की बात करते हैं, क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर ये पीला किसके लिए होता है, अगर बात करें पीले की तो पीला जो होगा आपका वो होता है नेशनल हाईवे के लिए। ठीक है, यानी कि कौन सा होगा, नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो NH के लिए आपका कौन सा रंग आता है, तो कहेंगे वो आपका आएगा पीला, राष्ट्रीय।
अब उसके बाद करेंगे हरा किसके लिए होता है, वो आएगा एस एच। हरा कौन सा आता है, हरे रंग का जो मील का पत्थर है वो किसके लिए आएगा, एस एच यानी कि स्टेट हाईवे, वो कौन सा आएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, और ये कौन सा आता है, राज्य राजमार्ग। ठीक है, दोनों ध्यानना। अब आपको ध्यान हो गया होगा अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि ये नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, तो आप वहां पर मील का पत्थर देखना, अगर उसका रंग ऊपर से पीला है तो आप कहोगे कि ये नेशनल हाईवे है, अगर उसका रंग ऊपर से हरा है तो वो कौन सा आ जाएगा, स्टेट हाईवे। अब सर ये दोनों ये किसके लिए आएगा, अरे ये आता है डिस्ट्रिक्ट व शहर के लिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट व शहर के लिए कौन सा आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट व शहर के लिए जो आपका आएगा वो आता है नीला व काला। या तो आपको नीला मिल सकता है या आपको क्या मिल सकता है, काला मिल सकेगा। फिर नारंगी के लिए कौन सा, नारंगी किन के लिए है, नारंगी जो आपका आएगा वो आता है गाँव के लिए। नारंगी किसके लिए आएगा, नारंगी जो आता है आपके गांव के लिए। तो ये मैंने बताया था आपको, रोम साम्राज्य की बात की थी कि रोम साम्राज्य ने जो है सर्वप्रथम जो है अपने साम्राज्य में दूरी दर्शाने के लिए मील के पत्थर का प्रयोग किया था, और इन मील पत्थरों को चार भागों में डिवाइड किया। एक तो आता है पीला, एक आता है हरा, एक आएगा काला व नीला, और एक आता है नारंगी। तो हरा पीला रंग जो आएगा वो आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, और उसके बाद करेंगे हरे रंग की बात करें तो आता है राज्य राजमार्ग। नीला व काले की बात करेंगे वो किसके लिए आएगा, डिस्ट्रिक्ट में शहर के लिए। नारंगी जो आता है वो किसके लिए आएगा, वो आता है गांव के लिए आता है। ठीक है, तो यहां तक आपको साथियों क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके सामने आता है कि अगर मैं बात कहूं, ठीक है, अब इन संकेतों, अगर मैं कहूं कि यहां पर मैं लिख के आपका देखना, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि बाईं तरफ मुड़ो, दाईं तरफ मुड़ो, ठीक है, अगर मैं लिख के करूँगा तो आप तो यहाँ पर इंडिया वाले तो समझ लेंगे, लेकिन चाइना वाले कहाँ से समझेंगे, क्योंकि अपने अगर चाइना में जाएंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या किया गया था, एक संकेतों का प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था, संकेतों का प्रयोग किया गया, और इन संकेतों को ही जो है क्या लेके आया, एक रूप देकर जो है सड़क संकेतों का माध्यम से जो है सामने लेके आए थे। ठीक है, उन चित्रों के माध्यम से जो है ठीक है, क्योंकि अब यातायात का दबाव तो बहुत पड़ रहा था, आपको पता है कि सड़कों का जो है यातायात इतना बढ़ चुका है, अब हर जगह ये चीज यानी कि प्रभावपूर्ण बनाने के लिए क्या किया गया था, संकेतों का प्रयोग किया गया था। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर बात करें, अगर बात करेंगे सड़क सुरक्षा का कार्य, सड़क सुरक्षा का कार्य की बात करें, किसके पास है ये, तो आपका एक ही नाम आता है, वो क्या आएगा, वो आता है UNECORE। क्या जाएगा, UNECE यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन यूरोप। ठीक है, क्या जाएगा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन और यूरोप। इसके माध्यम से जो है सड़क, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर आपसे पूछे कि सड़क का जो है कार्य, सुरक्षा का कार्य किसके ऊपर है, तो अपना किसके नाम लेंगे, तो लेते हैं UNECE, यानी कि उसका पूरा नाम पूछें तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन और यूरोप की बात करें। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1947। कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 28 मार्च 1947 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, वो होती है जिनेवा। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पे होगी, स्विट्जरलैंड की बात करें या स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, तो यहाँ पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी।
तो मेन अपना कार्य आता है, इसका कार्य क्या आएगा, सड़क सुरक्षा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, सड़क सुरक्षा की। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सड़क सुरक्षा का जो जाल है उसकी सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर आता है, तो वो कहेंगे UNECE, फुल फॉर्म क्या आएगी, यूनाइटेड ठीक है नेशन इकोनॉमिक कमीशन यूरोप की बात करते हैं। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 28 मार्च 1947 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड में जो इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं सड़क सुरक्षा का कार्य इसको दिया गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या सिर्फ इसी ने किया, नहीं, इसने भी आगे जो है स्थापना की थी जिसका नाम क्या था, कार्य दल एक। क्या आता है, कार्य दल एक, जिसे किस नाम से जानते हैं, WP1 के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, WP1 के नाम से जानते हैं। सॉरी थोड़ा खांसी हो रही है इसकी वजह से, ठीक है, WP1 के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेन ध्यान रखना कि यातायात सुरक्षा के लिए UNECE ने इसकी स्थापना की थी, कार्य दल एक जिसे बोलते हैं WP1 का जो है क्या की स्थापना की, एक तो ये आएगा यातायात सुरक्षा की बात करते हैं, तो यातायात सुरक्षा से संबंधित कौन सा आपका आ जाएगा, वो आता है कार्यदल। और आज की डेट की बात करें, वर्तमान की बात करेंगे, तो यातायात सुरक्षा का कार्य किसके ऊपर आता है, वो आपका आएगा कार्यदल, WP की बात करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपके। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आता है 1950 के अंतर्गत। कब हुई थी, 1950 के अंतर्गत हुई। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने अभी तक आपको बताया कि अपने शुरुआत में बात क्या की थी, उसको मैं आपको पीपीटी यानी PDF के माध्यम से बता देता हूं। ठीक है, तो पहली क्लास आज आपको बताई थी कि जो है रोड सेफ्टी की है, आपका टॉपिक जो सब्जेक्ट दे रखा है रोड सेफ्टी, उसके जो नियम है सभी क्लास यहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, आज पहली क्लास है इसकी, ठीक है, आज की पहली क्लास है, और आपको जो है फुल वीडियो कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा। और किसके होगा, तो आपका जो है हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, किसमें आएगा, टेस्ट माफिया से नाम से जो है हमारा ऐप बना हुआ है उसमें मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं अपना क्या है, यातायात के चिन्हों को जानने। ठीक है, किसकी बात करेंगे, यातायात के चिन्हों को जानने की बात अपने करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो पहली बार सड़क पर वाहन चलाने के लिए जा रहा हो, उसे सड़क नियम की जानकारी लेनी चाहिए। तो अगर आप सड़क वाहन पहली बार चला रहे हैं, अगर आपने सड़क पर वाहन चलाना शुरू कर दिया है, तो आपको इसके लिए क्या है, तो सड़क नियम की जानकारी होनी जरूरी है। किसकी, सड़क नियम की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सड़क पर बने सड़क सुरक्षा के चिन्ह सड़क पर चलने वाले यात्रियों के लिए यात्रियों को सुरक्षित रखने में मददगार। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो चिन्ह होते हैं सड़क पर, जो संकेत चिन्ह होते हैं, वो यात्रियों के लिए बहुत ही मददगार होते हैं। जैसे कि मैंने बताया मील के पत्थर की बात की थी, अगर आप किसी को जो है, अगर आप रोड पे जा रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप नेशनल हाईवे पे जा रहे हो, स्टेट हाईवे पे जा रहे हो, गांव की सड़क पर जा रहे हो, चलो गांव की सड़क तो अलग दिखती है, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे की बात करेंगे, तो अगर आपको वहां के मील के पत्थर की जानकारी है, तो आप पता कर सकते हो कि ये नेशनल हाईवे है, ये स्टेट हाईवे है।
तो इसके बारे में जो है आपको मदद मिलेगी। अगर आपको कहेंगे, आपने सिंबल भी देखा होगा कि रोड पे चलते हैं कि अगर गंगानगर जाना है इस तरफ है, अगर जयपुर जाना है इस तरफ है, हनुमानगढ़ जाना है इस तरफ है, ये इतनी दूरी पे है, तो ये एक प्रकार के संकेत है आपको दिशा दिखाने के लिए भी। और वो आपको क्या है, अगर आपको कहीं रुकना है, अगर आपके आगे स्पीड ब्रेक है, उस आगे अपने बात करेंगे, लेकिन संकेत जो है वो आपके लिए क्या होते हैं, मददगार होते हैं। सभी को सड़क का उपयोग करने से पहले इन चिन्हों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये मार्गदर्शक होते हैं, सूचकांक होते हैं, सूचनात्मक होते हैं और संचेतात्मक होते हैं। संचेत करते हैं कि आगे आने वाला क्या है। अगर आप एकदम बाइक स्पीड से भाग ले जा रहे हो और आपको पता है कि आपके स्पीड ब्रेकर नहीं है, लेकिन आपके सामने सड़क पर एक किनारे पर एक सिंबल लगा होता है लोहे का और वहां पर लगा के निशान बना होता है इस प्रकार का कि क्या है, आगे स्पीड ब्रेकर है, तो आपको पता लग जाता है और आप क्या है, अपना वाहन धीरे कर लेते हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा हो जाती है। अगर आगे एक बड़ा सा मोड़ आता है तो वहां पर भी एक क्या है, सिंबल लगा होता है, आगे काफी खतरनाक मोड़ आ रहा है तो आप आराम से चलाते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रतीक चिन्ह आपके लिए क्या होते हैं, मददगार होते हैं। ठीक है, अब मैंने बात की थी आपके कि प्रारंभिक सड़क संकेत की बात करेंगे तो मील के पत्थर के रूप में होते थे। जैसे कि मैंने बताया कि प्रारंभ में जो है मील के पत्थर का प्रयोग करते थे, प्रारंभ में क्या करते थे, मील के पत्थर का प्रयोग करते थे। ठीक है, जो क्या है, जो दूरी व दिशा को दर्शाते थे। किसको दर्शाते थे, दूरी व दिशा को दर्शाते थे। रोम शासन ने पूरे रोम की दूरी को दर्शाने के लिए अपने संपूर्ण साम्राज्य में पत्थर के खंभे लगाए थे। किसने लगाए थे, तो बात करते हैं रोम। मैंने अभी आपको जो समझाया है वही आपको जो है पूरा का पूरा पीपीटी के माध्यम से भी दे दिया है। ठीक है, तो आपको जो हमारा जो ऐप है टेस्ट माफिया ऐप है, उसमें आपको पूरा का पूरा जो है ये आपको जो आपके 20 नंबर का ध्यान रखना है, रोड सेफ्टी का आपका जो कितने नंबर का दिया हुआ है 20 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका पूरा का पूरा इसमें से आपका आ जाएगा। और सारा का सारा मेथड, जो मेथड है आपका, जो मटेरियल रहेगा वो ऑथेंटिक रहेगा, जो कि आपके जो है मेन ऑथेंटिक बुकों में से लेकर आपके सामने उपस्थित हो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो है ये एक मील के पत्थर थे, यानी कि पहला क्या दे रखा है, येलो। येलो किसका बताया था, येलो बताया था आपका वो था नेशनल हाईवे। येलो कौन सा था, नेशनल हाईवे। ग्रीन जो आता है, ग्रीन आएगा वो आता है स्टेट हाईवे। ग्रीन कौन सा था, स्टेट हाईवे की बात करेंगे। और ब्लैक की बात करें, ब्लैक या ब्लू हो वो कौन सा आ जाएगा अपना, वो आता है डिस्ट्रिक्ट वह शहर की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वह शहर की बात करेंगे। और ऑरेंज वह ग्रीन की बात करते हैं तो वो कौन सा आ जाएगा आपका, गांव की बात करते हैं, गांव के सड़कों की बात करते हैं। तो ये आपका जो था प्रारंभिक मील के पत्थरों की बात हमने आज की थी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको जो है मैटर क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, जो कि आपके मेन क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, आपको ये चार पत्थर दे देंगे, आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा मील का जो है पत्थर जो कि नेशनल हाईवे को बताता है, तो नेशनल हाईवे को कौन सा बताएगा, वो येलो है। ग्रीन किसको बताता है, ग्रीन बताता है वो आपका आ जाएगा स्टेट हाईवे को। दो ही याद करना क्योंकि मेन दो है। अगर गांव और कस्बों की बात करें, शहर की बात करेंगे तो नीला ब्लैक की बात करते हैं वो आपका डिस्ट्रिक्ट व शहर, और गांव को कौन सा बता देगा, ऑरेंज की बात करते हैं। ठीक है, अब बात देखते हैं यहां पर क्या कह रखा है कि मध्य युग में चौराहों पर बहु दिशा संकेत सामान्य हो गए हैं। तो आपने देखा होगा कि ये चौराहा है,
ठीक है, और यहाँ पर आप जा रहे हो, एक रोड यहाँ जा रही है, एक यहाँ जा रही है, एक ये जा रही है और एक यहाँ जा रही है, यहाँ का जो सिंबल होगा आपको यहाँ मिलेगा कि अगर आपको यहाँ जाना है तो इस प्रकार का इतनी दूरी पे है, इस प्रकार के इतनी दूरी पे है, इस प्रकार के इतनी दूरी, तो आजकल सिंबल है तो आप कहीं भी जा सकते हो, आप इतना भटकोगे नहीं। अगर मैं कहूँ अगर यहाँ पर मैं सिंबल नहीं लगाता तो अगर आपके यहाँ रोड से या रोड के संबंधी जो सिंबल संकेत नहीं लगे होते तो आप सही दिशा में जाते नहीं जा पाते, आपको तो कन्फ्यूज होते, आपको कहीं से पूछ के जाना पड़ता हर वक्त, जो आप कहीं किसी से पूछते और आपके रास्ते को दूरी तय करते। लेकिन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से आप क्या है, बिल्कुल भी नहीं पूछोगे, सीधा अपने रास्ते पर जाओगे। ठीक है, मोटर युक्त यातायात के आगमन तथा सड़कों पर इन बढ़ते दबाव, मैंने क्या कहा था कि इतना दबाव बढ़ चुका है कि इतने राजमार्ग की बात करेंगे तो अपने को क्या है, प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं। दबाव के कारण अनेक देशों ने किसका, चित्रात्मक संकेतों का, मैंने आपको बताया था अगर अपने शब्दों की बात करते लिख के करते तो आप अपने इंडिया वाले तो समझ लेते या कुछ और भी समझ लेते, लेकिन क्या चाइना वाले समझते, बिल्कुल, अपने अगर चाइना में जाते हैं तो अपने समझते, बिल्कुल भी नहीं समझते, इसीलिए उन्हें शब्दों की जगह किसका प्रयोग किया था, चित्रात्मक संकेतों की बात करते हैं। अपना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप संकेत देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या बताना चाहता है। तो इस प्रकार जो है चित्रात्मक संकेतों की बात करेंगे का प्रयोग आरंभ किया गया। ठीक है, अपने संकेतों का मानकीकरण कर दिया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय यातायात को क्या बनाया जा सके, सुगम बनाया जा सके। जहां भाषाई अंतर और उत्पन्न कर सकता है उनको सामान्य रूप से इनके फलस्वरूप उपयुक्त सावधानी भी नियम सूचनात्मक संकेतों का प्रयोग किया गया, ठीक है, के माध्यम से यातायात को सुदृढ़ बनाने की मदद मिली। अब मैंने वही तो आपको कहा था, अगर अपने संकेतों का ही प्रयोग करते सिर्फ क्या अपना सही रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता, इसके लिए ही उन्होंने क्या किया था, तो संकेतों के प्रयोग की बात यहां तक आपके क्लियर हो चुका होगा। इसमें अपने को सिर्फ इतना है, यहां से जो मेन आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बात किसकी करेंगे, चित्रात्मक संकेतों की, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन आता है कि सड़क सुरक्षा में संकेतों का जो है, किस प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है, एक तो आएगा भाषात्मक, दूसरा आएगा चित्रात्मक, तीसरा आएगा दोनों, और चौथा आएगा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना मेन अपना कौन सा आ जाएगा, चित्रात्मक संकेतों की बात करेंगे, तो चित्रात्मक संकेतों के माध्यम से जो है अपने यातायात को क्या मिलती है, अरे यातायात को सुरक्षा व सुदृढ़ बनाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, यानी कि कोई भी दबाव है, यानी कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए संकेतों का प्रयोग किया गया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, अगर बाकी जो है इनके अपने जो है क्वेश्चन सीरीज भी लेके आएंगे आपके, कि आपके इनमें से क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं उसकी भी अपने बात करेंगे। ठीक है, एक बार अपनी पहली क्लास थी आज, तो मैंने आपके सामने जितना भी है ऑथेंटिक मैटर जो आपके सामने लेके आया था उसकी बात अपने कर रहे हैं। तो ये अपना जो मैंने बात किसकी की थी, ये बात मैंने की थी यू एन ई सी ई की बात की थी। अभी आपको मैंने कुछ टाइम पहले ही इसकी फुल फॉर्म बताई थी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर यूरोप। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 28 मार्च 1947। कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1947 को, कहां पे हुई थी, जिनेवा में हुई थी। हेड ऑफिस कहां पे आएगा इसका, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो वहां पर है। ठीक है, अब इसका क्या था, कार्य था सड़क सुरक्षा को अपना प्रमुख उद्देश्य बना लिया,
ध्यान रखना, किसने सड़क सुरक्षा को अपना प्रमुख उद्देश्य बना लिया, तो मेन आपका जो आएगा वो आता है UNECE। अरे किसने बना लिया सड़क सुरक्षा को अपना उद्देश्य, किसने बना लिया था, तो आएगा UNECE। मेन रट लीजिए, अगर इतिहास पूछेंगे, अरे प्रतीक चिन्हों का इतिहास पूछेंगे, तो आपको UNECE भी पूछेंगे। अरे कब हुई थी स्थापना, तो हुई थी 28 मार्च 1947 को हुई थी। अरे कहाँ पे हेड ऑफिस कहाँ पे आएगा, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, ठीक है। अरे मुख्य उद्देश्य बना लिया, विशेष रूप से सड़क सुरक्षा, सड़क यातायात सुरक्षा पर, अरे किसके कार्य दल ए के माध्यम से, जिसे क्या कहते हैं WP-1B कहा जाता है। मैंने अभी बताया था आपको, अरे UNE ने किसके माध्यम से किया था, तो एक दल बनाया था जिसका नाम क्या था, कार्य दल एक। क्या बनाया था, कार्य दल एक बनाया था, जिसे क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे WP-1B कहा जाता है। अरे क्या बोलेंगे इसे, WP-1B कहा जाता है। अरे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब मेन आता है, ठीक है, UNECE ने जो है 1950 में, अब ध्यान से सुनना, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से भी बनता है कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स कमीशन फॉर यूरोप की बात करें, ने वर्ष 1950, कब, वर्ष 1950 किसकी स्थापना की थी, कार्य दल की स्थापना की थी, सड़क दुर्घटना निवारण पर कार्य दल एक, ठीक है, कार्य दल एक, जिसे किस नाम से जानते हैं, WP-1 के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की थी। अरे क्या की थी, स्थापना की, किसकी स्थापना की, कार्य दल एक, कार्य दल एक, जिसे क्या बोलेंगे, WP-1। किसने की थी, अरे UNECE ने की थी। कब की थी, 1950 में की थी। और साथ ही मेन दूसरा आता है, राष्ट्र संघ प्रणाली क्या जाएगा, अरे राष्ट्र संघ प्रणाली में सड़क सुरक्षा गतिविधियों में क्या निभाई थी, अग्रणी भूमिका, हमेशा आगे रहने में भूमिका निभाई थी, ठीक है। और इसके तत्वाधान में ही अनेक अंतर्राष्ट्रीय विधिक दस्तावेज क्या किए, तैयार किए थे। अरे अनेक दस्तावेज तैयार किए। अरे मेन आपको क्या करना है, तीन ही चीजें याद करनी है, एक तो क्या करना है UNECE, दूसरा करना है कार्यदल, दूसरा क्या करना है, अरे दूसरा करना है कार्यदल, दूसरा क्या करना है कार्यदल, तीसरा कौसा करना है, तो तीसरा आ जाएगा राष्ट्र संघ प्रणाली। राष्ट्र संघ प्रणाली की बात करते हैं, तो राष्ट्र संघ प्रणाली की बात करेंगे, तो इनके माध्यम से जो है सड़क सुरक्षा की बात की जाती है, और कुछ भी नहीं करना। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अरे क्लियर करने की दो बात ही नहीं थी, तो आपको सिर्फ एक ही चीज आनी है, अगर आप सड़क पे आओगे तो सड़क पे आना है, वाहन के साथ सड़क पे आना है, तो नियम तो जानने ही पड़ेंगे, नियम जानोगे तो अपनी सुरक्षा पाओगे। अरे संकेत चिन्ह तो आपके मददगार होते हैं, उनको तो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब उसके बाद दूसरा बताया, अरे मील के पत्थर की बात करेंगे, तो रोम साम्राज्य आता है, रोम साम्राज्य ने अपने साम्राज्य में दूरी दर्शाने के लिए मील के पत्थर का प्रयोग किया, जिसमें पीला पत्थर जो है नेशनल हाईवे को बताता है, राष्ट्रीय राजमार्ग को बताता है,
और उसके बाद हरे की बात करेंगे। हरा जो आपका है स्टेट हाईवे को बताता है, जो कि राज्य राजमार्ग को बताता है। अरे नीला व काले की बात करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट व शहर की बात करनी पड़ेगी। अगर उसके बाद ऑरेंज या नारंगी की बात करेंगे तो आपको गांव की बात करनी पड़ेगी। अब उस जो है बढ़ते दबाव, यातायात के बढ़ते दबाव के कारण ही क्या हुआ, अरे चित्रात्मक संकेतों की बात की। अरे कोई भाषा नहीं करनी हमें यूज, सिर्फ संकेत चित्रात्मक संकेत दिखाओ। अरे चित्रों को देखो समझ जाओ, ना तो कोई भाषा का रोल करेंगे ना किसी का। अरे सभी के लिए महत्वपूर्ण बन गया, चित्र देखो समझ जाओ आगे क्या आने वाला है, भाषा का प्रयोग नहीं किया। अब क्या होगा, अरे अब आएगा क्या, UNI की बात। UNECE आता है, उसकी स्थापना हुई 28 मार्च 1947। उसने जो है क्या ले लिया जिम्मा, अरे उसने अपना उद्देश्य किस बना लिया, सुरक्षा, सड़क सुरक्षा को बना लिया। क्या वो कल्ला करेगा, नहीं करेगा, उसने भी आगे एक स्थापना की जिसका नाम कार्यदल एक था, जिसे बोलते हैं WP1। ठीक है, अब उसमें भी महत्वपूर्ण यानी कि यातायात सुरक्षा के माध्यम, यातायात सुरक्षा को जो है कार्य का जो है कार्य किसे सौंपा था, कार्यदल एक को सौंपा। तुम यहां तक क्लियर हो गया होगा आपके। अब मेन बात करते हैं आगे की, तो आगे क्या कहता है, यानी कि अब बात करते हैं यूरोप में जो है बात करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और भी मिलता है जो सबसे मेन महत्वपूर्ण आता है, उसकी बात करें। 19 सितंबर, किसकी बात करेंगे, 19 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, यूरोप राष्ट्र संघ की आर्थिक आयोग, यूरोप राष्ट्र राष्ट्रसंघ आर्थिक आयोग, ठीक है, एक ये भी क्या था कि यूरोप में जो है राष्ट्रसंघ आर्थिक आयोग का जो है एक संगठन था, आयोग था, कि ध्वज के अधीन जिनेवा के में एक सड़क संकेत व प्रतीक चिन्ह पर नवाचार के अंतर्गत एक करार पर क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ। अब क्या हुआ कि यूरोप की बात करते हैं, जिनेवा की बात करेंगे, वहां पर सभी देश आए, ठीक है, वहां पर सभी देश आए, और कब आए थे, 1949 में, 19 सितंबर 1949 को आए सभी देश जो है, लगभग काफी देश वहां पर इकट्ठा हुए, किसको लेकर, सड़क संकेत व प्रतीक चिन्हों के, किसको, सड़क संकेत व प्रतीक चिन्हों के नवाचार पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने करार किया, तैयार किया, जैसे कि कागज तैयार करते हैं उसे क्या बोलते हैं, करार तैयार किया, जिस पर हस्ताक्षर कराए, अरे हस्ताक्षर करवा दिए और ये कह दिया किसी प्रकार प्रतीक चिन्ह बनेंगे, संकेत बनेंगे, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अरे वो तो उन्होंने करार कर दिया, अब करार कर दिया तो क्या हुआ, 20 दिसंबर 1953 को क्या कर दिए, से लागू कर दिया। अब ध्यान रखना, अरे सड़क संकेत व प्रतीक चिन्ह पर करार पर हस्ताक्षर कब हुए थे, तो आएगा 19 सितंबर 1949 को, कब हुए थे, 19 सितंबर 1949 को हुए। अरे ये संकेत व प्रतीक चिन्ह लागू कब हुए थे, अरे 20 दिसंबर 1953 को, अरे कब हुए थे, 20 दिसंबर 1953 को लागू हुए। क्या भारत इसमें हिस्सा था, हिस्सा था क्या भारत का, बिल्कुल था, भारत भी इस करार का पक्ष था, और इसे क्या दे दिया, इसी दिन पंजीकृत कर दिया था। ध्यान रखना, ये मेन मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, कई बार आपसे पूछ भी लेगा, अरे सड़क संकेतों को पंजीकृत कब किया गया था, तो आता है 20 दिसंबर 1953 को क्या किया था, पंजीकृत किया गया, कब किया गया था, 20 दिसंबर 1953 को जो है पंजीकृत किया गया, ठीक है, यहां पर पंजीकृत कर दिया। लेकिन क्या हुआ, एक डेट आती है जिसका नाम था, डेट आती है वो कौन सी डेट थी, 8 नवंबर 1968,
क्या हुआ 8 नवंबर 1968 की बात करेंगे, ये जो सारा तामझाम हुआ था ना उस पे कुछ संशोधन भी हुए। क्या हुए थे? कुछ संशोधन भी हुए थे। अरे इस प्रकार इसमें ऐसा ऐसा करना है या ये चीज है, काफी बातें हुई लेकिन कुछ मान ली गई कुछ नहीं मानी गई, ठीक है। और ये सम्मेलन इस प्रकार चलते रहे और इस पर जो है प्रतीक चिन्हों पर ही संकेतों पर अनेक सम्मेलनों का भी आयोजन हुआ था। क्या हुआ था? अनेक सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो ये कहेंगे कि इस प्रकार सम्मेलनों में जो है प्रतीक चिन्हों व संकेतों को क्या मिल गई थी? एक रूपता मिल गई थी। तो ये जानना इन सम्मेलनों के माध्यम से क्या था, काफी सम्मेलन हुए थे और इन सम्मेलनों के माध्यम से प्रतीक चिन्हों व संकेतों को क्या मिल गई थी? एक रूपता मिल गई थी। ये रहा, ठीक है। क्या कहेंगे? वीना में 8 नवंबर 1968 को संकेत व चिन्हों पर आयोजित सम्मेलनों में एक संशोधन किया गया, ठीक है, किया गया, और सड़क सुरक्षा पर व्यापक रूप से विचार किया, सभी पक्षों को मानते हुए संकेत और चिन्हों के प्रयोग में एक रूपता हो इस पर बात की गई। यानी कि मैंने ये कहा भी आपको जस्ट बताया था कि यानी कि 8 नवंबर 1968 की बात करेंगे संकेत व चिन्हों पर आयोजित सम्मेलनों में एक संशोधन किया गया था और इन समय आपको सिर्फ इतना जानना है कि इन सब प्रयोगों संकेतों व चिन्हों के प्रयोग को एक रूपता कि कब हुई थी, एक रूपता कब देखने को मिली थी। तो जानना अगर आपसे पूछे 4 तारीख याद करनी है, अभी तक जितनी भी डेट है बताना है। 28 मार्च, क्या बताया था मैंने? 28 मार्च 1947 UNECE की स्थापना, उसके बाद 1950 WPA की स्थापना, उसके बाद 1949 क्या आएगा? प्रतीक चिन्ह का पंजीकरण, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? प्रतीक चिन्ह के जो है 1949 में क्या आएगा? करार पर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद आता है 19 सितंबर 1949, फिर आएगा 20 दिसंबर 1953 की बात करेंगे तो प्रतीक चिन्हों क्या क्या आ जाएगा? पंजीकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 8 नवंबर 1953 की बात करेंगे, सॉरी 8 नवंबर 1968 की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? संशोधन द्वारा जो है प्रत्येक चिन्हों के प्रयोगों में एक रूपता देखने को मिलती है। तो एक रूपता देखने को कब मिलेगी? तो एक रूपता देखने को आपको मिलती है 8 नवंबर 1968 को जो है एक रूपता देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्तमान की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो है UNECE के द्वारा ही जो कार्यदल एक गठित किया गया था, कार्यदल एक संघ राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र क्या बन गया है? स्थायी निकाय बन गया है। क्या बन गया है? अरे स्थायी निकाय बन गया है जो सड़क सुरक्षा में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्तमान में सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का कार्य कौन कर रहा है? कार्यदल एक कर रहा है जिसका नाम क्या आएगा? WPA। इसका मुख्य कार्य है यातायात के नियमों के सुमेलन के उद्देश्य से राष्ट्र संघ के विधिक दस्तावेजों के संरक्षण की भूमिका अदा करना। तो मेन अपने को क्या करना है? वर्तमान में जो सड़क सुरक्षा का कार्य है वो कौन कर रहा है? वो आपका कर रहा है कार्यदल एक कर रहा है। कौन कर रहा है? कार्यदल एक कर रहा है। अगर आपसे पूछे भारत में मोटर वाहन अधिनियम कब आया था,
ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में मोटर वाहन अधिनियम कब आया था तो आपको इसका आंसर क्या बताना है, तो आएगा 1988। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना कि भारत में मोटर वाहन अधिनियम कब आया था, वो आया था 1988 की बात करें, और इसी 88 अधिनियम की अनुसूची एक में जो है, किसमें, अरे अनुसूची एक की बात करेंगे तो जिसमें जो है प्रतीकों के संकेतों व चिन्हों को क्या किया गया था, निर्धारित किया, समरूप रूप से जो है निर्धारित किया गया। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था क्या था कि भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की अनुसूची एक, ये थोड़ा सही कर लेना, क्या जाएगा अनुसूची एक की बात करें, एक समरूप सड़क संकेतों को निर्धारित किया गया जो बृहद रूप से इन सड़क संकेतों की आकृति आकारों का वर्णन करता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत कुछ संकेत नजर आ सकते हैं जिसका हमने आगे वर्णन किया है। अरे संकेतों की बात करेंगे तो संकेतों का भी कब आता है, संकेतों का भी जो आएगा वो आता है 1988। अधिनियम पूछे तो वो कौन सा आ जाएगा, 1988 की बात करते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम कब आ जाएगा, मोटर वाहन अधिनियम आपका आ जाएगा 1988 की बात करते हैं। तो ये आपका जो साथियों कुछ इतिहास था, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी। मेन मोटी मोटी अगर बात करें तो मैंने आपको ये बताया है, थोड़ा छोटे रूप में बता दूं कि मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप वाहन लेके सड़क पे उतरते हैं तो पहला तो आपको संकेतों का ध्यान होना चाहिए, नियम का ध्यान होना चाहिए। अगर आपको संकेत नियम ध्यान है तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा रोम साम्राज्य ने सर्वप्रथम ही मील के पत्थर का प्रयोग किया, जिसमें चार मील के पत्थरों की बात मैंने की थी, पीला हरा नीला काला व नारंगी की बात की। तीसरा मैंने बताया UNECE, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स कमीशन यूरोप की बात की, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 28 मार्च 1947 में हुई। इसने अपना उद्देश्य किसे बना लिया, सड़क सुरक्षा को अपना उद्देश्य बना लिया, यातायात निवारण दुर्घटना निवारण के उसने किसकी स्थापना की थी, कार्यदल 1WP1 की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसके साथ ही जो है राष्ट्र संघ प्रणाली ने भी जो है क्या है अपनी अग्रिम भूमिका निभाई, में भी अपनी क्या है अग्रिम भूमिका निभाई। उसके बाद की बात करें WP की एक की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई। उसके बाद जो है पंजीकरण कब हुआ, यानी कि 19 सितंबर 1949 को क्या है यूरोप के जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ, जिसके माध्यम से संकेतों को जो है एक रूपता लाने की बात की। और उसका संकेतों का पंजीकरण कब हुआ, अरे संकेतों का पंजीकरण हुआ था 20 दिसंबर 1953 को इनका पंजीकरण हुआ। एक करार पर हस्ताक्षर कब हुए थे, 19 सितंबर 1949 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए, हस्ताक्षर के साथ ही वह संकेतों का पंजीकरण हो गया, भारत इस करार का हस्ताक्षर था। लेकिन 8 नवंबर 1968 को संशोधन हुआ, संशोधन के बाद जो है इनको एक समरूप रूप दे दिया गया। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि मोटर वाहन अधिनियम की बात करेंगे तो मोटर वाहन अधिनियम कब आया था, 1988 की बात करते हैं, और इसी 88 के स्वरूप ही जो है क्या है संकेतों को जो है समरूप निर्धारित कर दिया गया। तो यहाँ तक अपन ने बात की थी। अब उसके बाद थोड़ा सा एक और है, उसके पर भी बात कर ले अपने। ठीक है, तो मेन अपन जानना कि सड़क संकेत, ठीक है, ठीक है, सड़क संकेत निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मूल
योजनाएं बनाई गई थी, जिसका क्या है उल्लेख आपको मिलेगा अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में। अरे सम्मेलन हुए थे, उसमें करार बनाया गया था जिस पर सभी ने हस्ताक्षर किए थे, भारत भी हस्ताक्षर शामिल था, उसके ही अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 की बात कर रहे हैं। मैं सड़क संकेतों की श्रेणियों को परिभाषित किया गया, मेन इंपॉर्टेंट आता है कि सड़क संकेतों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, तो आप कहोगे 3 श्रेणियों में बांटा गया। अरे कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक तो आएगा चेतावनी वाले संकेत, एक आता है वी नियामक यानी नियम वाले संकेत, और एक आते हैं सूचनात्मक संकेत। उन तीनों की बात अपने करेंगे, लेकिन ध्यान रखना उन तीनों के बारे में जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, उनके बारे में जानकारी आपको मिलती है अध्याय 2 के अनुच्छेद 5 में मिलती है। तो तीनों श्रेणियों को क्या किया गया था? परिभाषित किया गया, जिसे मोटे तौर से जो पर निम्नलिखित रूप में श्रेणीबंध किया गया। क्या किया गया? श्रेणीबंध किया गया। थोड़ा सा उसके ऊपर भी झलक कर लें, वो कौन सी थी? ये है आपकी, अरे खतरे की बात करेंगे। किसकी बात करते हैं? संकेत की बात करेंगे। अगर आपको खतरे की बात करता है तो आपको क्या मिलेगा? त्रिकोण मिलता है। अरे खतरे की बात करेंगे, त्रिकोण मिलता है। अरे शैडों में से क्या होगा? शैडों में से लाल होगा, और बीच में से क्या होगा आपका? वाइट। विनियम या नियम की बात करेंगे तो आपको गोले में मिलेगा। अरे नियम की बात करते हैं गोले में, और सूचना की बात करते हैं तो किस में मिलेगा? आयता। और ये तीनों ही आपको अलग अलग तरीके से एक एक पॉइंट के साथ जो है बताया जाएगा, किस में? हमारे जो है प्लेटफॉर्म ब्रदर एजुकेशन हब की बात करेंगे। आपके जो है जो आपका जो एक दिया हुआ है सड़क रोड सेफ्टी नियम की बात करेंगे, पूरे के पूरा जो मैटर आपको हमारे जो है ऐप पर उपलब्ध होगा इसी तरीके से। और बाद में जो है इसके आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और आपका पूरा का पूरा जितना आपका मैटर है, जितने